Okay, students, now continue with the next exercise, that is grammar power. And that is read the following pairs of adjectives. In each pair, the second adjective means exactly the opposite of the first one. Okay, yahan pe kuch adjective diye hain. Adjective is called that which express the qualities of a noun and a pronoun. Jo noun ya noun means kisi कोई नेम, किसी नाम, कोई प्लेस, ओके, या इनको हम नाउन कहते हैं. और जब इनकी जगह पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दैट, तो ये प्रोनाउन होते हैं. तो इनकी क्वालिटीज़ बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दिए हुए हैं और इनके जस्ट सामने इनके अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे ब्लैक का वाइट, कूल वार्म, चीप कॉस्टली, ब्राइट डल, वाइल्ड टेम, डर्टी क्लीन, हॉट कोल्ड, ब्यूटिफुल अगली, ड्राई वेट. दीज आर 9 वर्ड्स. सो हमें इन्हें रीड करके द नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें इसे सेम एज कंप्लीट करना है. नाउ राइट द अपोज एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग. ओके, एज एन एग्जाम्पल दीज वर्ड्स आर गिवेन हियर. सो एज एन एक्सरसाइज वी हैव टू डू हियर दैट ब्रॉड का होगा, ब्रॉड का मतलब एक विस्तृत होता है, तो इसका अपोजिट होगा हमारा लिमिटेड. ओके, सो द नेक्स्ट इज क्लेवर. क्लेवर का होगा स्टूपिड, या हम इसे ब्लंट भी लिख सकते हैं. वेरी गुड. स्टेल, स्टेल का मतलब पुराना, या हम बासी बोलते हैं, तो इसे फ्रेश, स्टेल का ओल्ड भी हो जाएगा. नेक्स्ट इज हियर क्विक. क्विक का हम लिखेंगे, क्विक का तेज होता है मीनिंग, हम इसे स्लो एक्सप्लेन करेंगे. हार्ड इस मजबूत, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा सॉफ्ट. सॉफ्ट का मतलब नाजुक. वेरी गुड. लॉन्ग इस लंबा, तो अपोजिट हम इसका कर देंगे शॉर्ट. शॉर्ट मीन्स छोटा. द नेक्स्ट इज कोर्स. कोर्स का मीन्स रफ या हार्ड, बहुत ही जटिल या फिर मजबूत, तो इसका अपोजिट होगा सॉफ्ट मीन्स कोमल. ओके, एंड द लास्ट इज हाई. हाई मीन्स ऊंचा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट या लो. ओके, नाउ वी विल टर्न for the next page, that is on page number 10. Short out the adjectives used in the poem. हमें poem में used हुए कुछ adjective words को find out करने हैं. जैसे as an example here purple. Purple means bagini. The purple petals. गुलाबी पंखुड़ियाँ. यहाँ पे पंखुड़ियों की विशेषता बताई गई है कि पंखुड़ियाँ गुलाबी हैं. एंड द सेम हियर यू कैन सी हियर ब्लैक वाटर. ओके, हियर लीफलेस प्लूम्स. वी विल स्टार्टिंग हियर फ्रॉम आवर पेज. एज वी कैन सी आई फाउंड द फ्रेश रोडोरा इन द वुड्स. हमें जंगलों में एक फ्रेश रोडोरा मिला. स्प्रेडिंग हिज लीफलेस ब्लूम्स. ओके, सो लीफलेस विल बी हियर फर्स्ट. स्लगिस, टू ब्लैक, थ्री ब्लैक वाटर, एंड द ब्यूटी गे. ब्यूटी विल बी ऑल्सो इट एडजेक्टिव. एंड द वन अदर इज रेड. द रेड बर्ड, रेड विल बी एडजेक्टिव. इज प्लूम्स टू कूल, एंड कूल द फ्लावर चीपेंस. ओके, सो आई नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट कम टू द पेज नंबर 10 अगेन. सो द फर्स्ट here we saw black. Okay, other will be beauty. Very good. Next leafless, मतलब बिना पत्तियों के. sluggish, sluggish book, सुस्त धाराएं. And the next was red, the red bird. chipens, chipens is array. Very good. Now the next is exercise is hearts. Which flower do you like best?
दिस विल बी योर होमवर्क. एज एन होमवर्क यू विल डू दिस दैट विच फ्लावर डू यू लाइक बेस्ट. एंड द नेक्स्ट इज नेम दोज फ्लावर्स विच ग्रो इन योर नियर बाई एरिया. हमें उन फूलों के नाम लिखने हैं जो हमारे आसपास होते हैं, ठीक है. सो दीज टू एक्सरसाइज विल बी योर होमवर्क. दैन द लास्ट इज नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन दैट टू फाइंड अ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर यू. यहाँ पे पांच वर्ड सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें इन्हें करेक्ट कर रहे हैं. यू ग्रो फ्लावर्स इन योर हाउस, क्या आप फूल उगाते हैं? ओके. यू फील द फ्रेगनेंस फ्रॉम देम, या ओके हमें उनसे महक लेते हैं कि महक को महसूस करते हैं. यू ऑफर देम टू गॉड टू द रिलीजियस प्लेसेस, या वेरी गुड. यू मेक ओनली गार्लैंड्स फॉर अ सेल, आप बेचने के लिए बनाते हैं माला. मे बी मे नॉट बी मे बी नॉट, सो आई एम नॉट गोइंग विथ राइट एंड करेक्ट ऑप्शन. यू यूज देम ड्यूरिंग परफॉर्मिंग पूजा, या डेफिनेटली. ओके सो दीज टू एक्सरसाइज विल बी योर होमवर्क एंड द अदर्स द क्वेश्चन आंसर एंड द वर्ल्ड मीनिंग्स आई टोल्ड यू यू विल हैव टू लर्न. ओके वी कैन कॉल यू फॉर योर होमवर्क एंड वी कैन कॉन्टैक्ट यू थ्रू व्हाट्सएप फॉर योर होमवर्क. ओके सो बी रेडी फॉर दैट एंड कंप्लीट द डेली गेटिंग होमवर्क. कीप लर्निंग, स्टे सेफ. थैंक यू.